हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी बाइकों के बारे में बताऊँगा जो कि आपके 1 लाख के बजट के अंदर आती हैं। दोस्तों, ये बाइकें जो हैं वो मैं आपको ऑन रोड प्राइस बताऊँगा मैं इन बाइकों का आपको, जो कि दिल्ली में आपका मिलता है। ऑन रोड प्राइस मैं आपको दिल्ली का बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट के अंदर जो बाइक नंबर 1 पे आएगी वो रहने वाली है TVS की स्पोर्ट। दोस्तों, इस बाइक के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताना चाहूँगा। तो ये बाइक जो है फ्रेंड्स, वो एक 110cc के इंजन के साथ में आती है, जिसकी मैक्स पावर आपको जो है वो 8 BHP की देखने को मिल जाएगी, और मैक्स टॉर्क जो है आपको इसके अंदर 8.7 Nm का जो है आपको इसके अंदर टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये बाइक जो है आपको करीबन 60 से 70 की जो है वो माइलेज भी निकाल के दे देगी। दोस्तों, ये बाइक का अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में नज़र आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस बाइक के प्राइस की, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस बाइक का कौन सा मॉडल लेते हो। इस बाइक के भी मार्केट के अंदर 3 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लोगे, जो कि आप इसका सबसे बेस वाला कह सकते हो, वो आपका लगभग 70,000 रुपये के आसपास रहने वाला है। और अगर आप इसका मिड वेरिएंट लोगे तो वो आपको 77,000 का देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसका टॉप मॉडल लोगे तो वो आपको 85,000 रुपीज़ का यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप से ये जो प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑन रोड प्राइस दिल्ली के रहने वाली हैं। इन्हीं प्राइस के जो है आसपास आपको ये बाइक जो है ऑन रोड प्राइस दिल्ली में मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूँ नंबर दूसरी बाइक की। तो इस लिस्ट में जो बाइक नंबर 2 पे है वो है हमारी बजाज की प्लेटिना। प्लेटिना भाई 110cc की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 110cc प्लेटिना के अंदर आपको 110cc का इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मैक्स पावर आपको 8.48 BHP की देखने को मिलेगी, और मैक्स टॉर्क आपको 9.81 Nm का यहाँ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि प्लेटिना मार्केट के अंदर कंपनी ने इसका नया मॉडल लॉन्च किया है, तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको नया 5-स्पीड का गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात, आपको इसके अंदर माइलेज जो है वो 70 से 80 KMPL के बीच में देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से चलाते हो। और अगर मैं बात करूँ भाई, इसके अंदर 5-स्पीड का अब आपको गियरबॉक्स मिल जाएगा। पहले आपको जो है वो इसके अंदर 4-स्पीड का गियरबॉक्स देखने को मिलता था। तो इस टाइप से अगर मैं बात करूँ इसके ऑन रोड प्राइस की, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है फ्रेंड्स, अगर इसमें भी 3 वेरिएंट आते हैं तो तीनों का ही प्राइस मैं आपको बता दूंगा। तो जो इसका बेस प्राइस रहने वाला है फ्रेंड्स, वो रहने वाला है इसका 84,000 से ये इस बाइक की जो है वो प्राइस की स्टार्टिंग है, और टॉप मॉडल जो है वो इसका 96,000 का है। तो अब आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा लेना है। और इस लिस्ट में जो हमारी तीसरे नंबर पे बाइक है, उसकी बात करने से पहले अगर आपको इस बाइक का जो है रिव्यू या डिटेल वीडियो देखनी है प्लेटिना 110 की, तो उसका भी लिंक मैं जो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप जो आई बटन में जाके उस वीडियो को डिटेल में चेक कर सकते हो। और जो नेक्स्ट बाइक हमारी लिस्ट में है वो है बजाज की GT125X। दोस्तों, ये बाइक भी एक ऐसी बाइक है जो कि आपकी काफ़ी अच्छी बाइक है। इस बाइक के अंदर भी जो आपको 125cc का 4-स्ट्रोक इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि मैक्स पावर भाई यहाँ पे 10 BHP की बना रहा है। और इसका जो मैक्स टॉर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मैक्स टॉर्क आपको 11 Nm का देखने को मिल जाएगा। और भाई 125cc है, तो ये मत समझना कि भाई ये माइलेज कम देगी। तो इसकी जो माइलेज है ना भाई, वो माइलेज ये जो निकालती है वो निकालती है ये 60 से 70 KMPL के बीच में। और इस बाइक के अंदर आपको 2 मॉडल देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको जो है दोनों का ही जो है दिल्ली का ऑन रोड प्राइस यहाँ बता देता हूँ, मैंने जो नोट डाउन कर रखा है। तो अगर आप इसका ड्रम वाला वेरिएंट लोगे तो वो आपको लगभग 90,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप इस बाइक में डिस्क वाला वेरिएंट लोगे तो वो आपको 93,700 रुपीज़ का यहाँ देखने को मिल जाएगा। लगभग इसी प्राइस के आसपास आपको जो है ये बाइक आपको जो है पड़ेगी।
अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं, अगर कोई भाई दिल्ली के बाहर से भी देख रहा है तो अपने नियरेस्ट जो है डीलरशिप पे जाके वहाँ पूछ सकता है कि आपके वहाँ पे जो है ऑन रोड प्राइस क्या कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि भाई ऑन रोड प्राइस आते आते जो है वो काफ़ी कुछ चीज़ें एक्स शोरूम प्राइस में इंक्लूड हो जाती है। आप जैसे आपको पता ही है भाई रोड टैक्स वगैरह वगैरह, और इस बाइक का भी जो है आपको डिटेल रिव्यू वो आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो अगर आप इस बाइक को जो है डिटेल वीडियो इसका देखना चाहते हो तो वो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ भाई नंबर 4 पे, तो भाई नंबर 4 पे आती है हीरो की HF डिलक्स। दोस्तों हीरो की HF डिलक्स जो बाइक है वो भी आपको जो है काफ़ी सारे वेरिएंट्स में यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये बाइक भी आपकी जो है वो 100cc के इंजन के साथ में आती है, और इसका जो इंजन है वो 7.91 BHP की पावर बनाता है, और मैक्स टॉर्क जो है वो आपको 8.5 Nm का यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ये बाइक आपकी 4-speed के गियरबॉक्स के साथ में आती है। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो ये बाइक भी जो है आपको 65 से 70 kmpl की जो है वो माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस के बारे में, तो मैं आपको इसका प्राइस बताता हुआ चलूँ तो जो इसका बेस मॉडल है वो आपका शुरू हो जाता है 68,000 से, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है वो 72,000 तक चला जाता है। तो आप इसके बीच में जो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। इसके अंदर एक वेरिएंट आता है सेल्फ अलॉय वाला, तो वो आपको लगभग 80,000 के आसपास भी यहाँ देखने को मिल जाएगा। माइलेज वाली बाइक है फ्रेंड्स, इसका भी अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं जो है वीडियो के आई बटन में दे दूंगा। और जो लास्ट बाइक इस लिस्ट में रहने वाली है फ्रेंड्स वो है हीरो की स्प्लेंडर। भाई स्प्लेंडर को तो कोई नहीं जानता, सब जानते हैं भाई, पूरे भारत में फेमस है स्प्लेंडर भाई। तो स्प्लेंडर के अंदर आपको 100cc का इंजन देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ 100cc वाली स्प्लेंडर ली है जो कि आपका 7 BHP की पावर और 8 Nm का टॉर्क बनाती है, 4-speed का गियरबॉक्स है। और भाई स्प्लेंडर की माइलेज का तो आपको पता ही है, तेल डलाओ और भूल जाओ, वही आपको जो है 70 से 75 kmpl की जो है वो आपको माइलेज इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो जितनी भी बाइकें मैंने बताई हैं ये सब सारी बाइकें मैंने उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करके बनाई है, स्पेशली जो जिन भाइयों का जो बजट थोड़ा सा टाइट है, जो कि मार्केट के अंदर एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी लाख रुपए के अंदर भी आ जाए, जिसका मेंटेनेंस भी लो हो और आपको माइलेज भी ज़्यादा निकाल के दे। 2000 years later। और हाँ दोस्तों, अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आप जो है इस नवरात्रि जो है इन सारी बाइकों पे जो है वो अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफ़र पा सकते हो। अगर आपके पास एक्सचेंज ऑफ़र, अगर आपके पास कोई पुरानी बाइक है अगर आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हो तो आपको इस नवरात्रि में जो है बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंज ऑफ़र भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर कोई भाई मेरा नई बाइक परचेस करना चाहता लेकिन उसका भाई डाउन पेमेंट का भी बजट नहीं है और उसे फिर भी बाइक चाहिए लेनी है, तो भाई इस नवरात्रि में जो भी आपके नियर बाय शोरूम है, आप जिस भी कंपनी की बाइक ख़रीदना चाहते हो, चाहे वो हीरो की हो, चाहे वो बजाज की हो, या वो हो होंडा की, जिस भी कंपनी की बाइक हो, तो आप उसके डीलरशिप पे जाके वहाँ जो है नवरात्रि ऑफर्स के बारे में पता कर सकते हो। क्योंकि मैं जल्दी जो है नवरात्रि ऑफर्स पे जो है एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो चैनल पे बने रहना। अभी मैं आपको बता दूं कि जो नवरात्रि ऑफर्स है फ्रेंड्स उसके अंदर आपको ऐसी ऐसी स्कीमें देखने को मिलती है जिसमें आप 0 down payment पे जो है बाइक को अपने घर ले जा सकते हो। आपको सिर्फ बाइक की EMI पे करनी है, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या उसके टर्म एंड कंडीशन रहेंगे, वो तो आपको शोरूम विजिट करके ही पता चलेगा। बाकी ऐसी ऐसी स्कीमें भी हैं कि जिसमें आप सिर्फ 2000, 3000 या 5000 तक भी आप जो है डाउन पेमेंट करके अपने घर पे बाइक वगैरह जो है वो लेके आ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को करना लाइक, मेरे चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।
ठीक है।